बेहिसी का मकाम आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझे, बेहिसी का मकाम आ रहा है कि लोगों के घरों में छह छह सात सात राशन जमा कट्टे करके जमा करें, पता नहीं अचार डालेंगे, क्या करेंगे। आप यकीन माने जिस दिन से ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ है ना, उसके दूसरे दिन से पब्लिक रोड पे निकल गए, राशन 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 राशन। अबे राशन हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हमारी पाकिस्तानी कौम, क्या हमारी कराची कौम इतनी कंगली है कि पहले दिन से राशन राशन कर रहे हो? क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। तड़प कर भूख से जागते हैं, इन्हें नींद नहीं आती, ये तो गरीब लोग हैं साहब, इन पर ईद नहीं आती। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज से तीन दिन पहले हम लोगों ने कुछ राशन बांटा था और उसमें मैसेज दिया था कि आप लोग भी इस बुरे वक्त में घर से निकलें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन वगैरह दें। तो उसका हमें बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई आया है। कुछ लोगों ने हमें डोनेशन दिए कि आप ये लें और ये भी उन लोगों तक पहुँचाएँ, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी वीडियो देख के किसी ने हमें डोनेट किया और हम किसी के काम आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि आप दिखावा कर रहे हैं, तो भाई अगर इससे किसी का भला हो जाता है, किसी का काम हो जाता है, तो भाई आप लोग भी ये काम करें और इसे दिखावा ही समझें। बिल्कुल। और हमारे साथ आज अता भी है, क्योंकि राशन ज्यादा है तो हमने सोचा कि हमारी हेल्प वगैरह कर देगा। जावेद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इस नेक काम में याद रखा। बैंक से पैसे ले लिए हम लोगों ने, अभी हम लोग ज्यादा स्टोर जाएंगे क्योंकि वहाँ से राशन थोड़ा सस्ता मिलता है, जितना सस्ता मिलेगा उतना ज्यादा मिलेगा और ज्यादा लोगों में तकसीम किया जाएगा। राशन ले लिया है और हम सरजानी जा रहे हैं, वहाँ एक हाजी साहब की वीडियो देखी थी और वो देख के मुझे एहसास हुआ कि वाकई वहाँ पे जरूरतमंद लोग हैं। आपको भी दिखाते हैं उनकी वीडियो। आप तमाम साहिब हैसियत लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने पैसे निकालें और राशन खरीदें, और राशन खरीद कर यहाँ सरजानी टोल तशरीफ लाएं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाने को नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी तक नहीं। आपका फेसबुक पे हम लोगों ने पैगाम देखा था। अच्छा, कि आपने अर्ज किया था कि यहाँ पे काफी मजबूर लोग हैं, सही जरूरतमंद हैं, बिल्कुल फाके चल रहे हैं, पानी पीने तक को नहीं है, तो वो सुन के हम आपके पास आए, हमें उन लोगों के पास लेके चले, हम कुछ राशन लाए ताकि उन तक हम लोग आपके साथ मिल के अपने हाथों से तकसीम करें। अच्छा जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल। और सर आपसे एक ये अर्ज थी कि आप कम से कम अपना नंबर डालें। आपने पता नहीं किसका नंबर डाला हुआ है। नहीं मेरे पहले नहीं, आपका नंबर नहीं। अच्छा, हमने राशन की सेटिंग ऐसी रखी है कि हमने अनायसी ले ली, उनका नंबर लिख लिया जी, हम उनको फ़ोन करेंगे, हमारा बंदा जाएगा उनके घर पे राशन देकर आएगा जी। हो रहा ये है कि एक एक घर से सात सात अनायसियाँ आ रही हैं जी जी, तो ये सात सात बोरे अगर एक घर में जाएंगे तो ये मुस्तहिक को क्या पहुँचेगा? आपके पास इसीलिए आए कि आप हमारे साथ चले और खुद उनके घर पे हम लोग जाके पहुँचा के हम अभी उनको बुला लेते हैं, क्योंकि वो माजूर के घर बेहतर है, बेहतर है, माजूर लोग बहुत ज्यादा है, सही है, बिल्कुल, क्योंकि माजूरों के घर में इस वक्त राशन पहुँचना बहुत ज्यादा है कि आप फिर घर में जाएं जी जी, उससे पूछें, यानी अगर साहिब हैसियत है तो उसको दें पूरे पूरे, अगर नहीं है। हमारा तो मकसद यही है कि किसी की शक्ल भी ना दिखाएं ताकि तो उसकी दिल आजारी ना हो। नहीं ठीक है, मैं कहता हूं घर तक पहुंचे, आप शक्ल भी दिखाएं, नहीं नहीं आप घर भी दिखाएं, वो नहीं, सर वो सही है, पर कहने का मकसद ये है कि राशन पहुंचे मुस्तहिक तक। ये राशन दिया, दुआ में याद रखिएगा। सही बाबा जान, ये तरीके का है राशन बांटने का। छह जगह देख रहे हैं, यहाँ गलियों का क्या हाल है, कच्चे घर है, और ये जगह सेक्टर 4D सरजानी में, आप लोग लाजमी यहाँ पर आए, बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं। इनको देख के दिल खोल सा गया है कि इतने गरीब लोग भी हैं, असल मजबूर लोग जो जरूरतमंद लोग यहाँ पे, आप लोग जरूर यहाँ पर आए और आके हाजी साहब से रब्ता करें। कुत्ता भोग रहा है, भोगने दो, समझे। तो ये मिसाल हो चुकी है एक गरीब आवाम की,
तो उनसे हम यही कहते हैं कि भाई ये पानी खुलवा दो, ये गटर के जो मामला थे इसको हल करवा दो। ये तो अभी आपको साफ सुथरा नज़र आ रहा है, आप आए दिन देखें यहाँ पे ये गटर टूटा हुआ, ये देखें दिखाओ, ये गटर टूटे हुए हैं, गटर की लाइनें टूटी हुई हैं, यहाँ पे कोई पुरसाने हल नहीं। अदनान शाह कादरी साहब के पास हम लोग आए थे और ये हमें उन लोगों के घर पे लेकर गए और हम लोगों ने खुद अपने हाथों से राशन बांटा। इन लोगों ने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया हमें और लोगों ने फेसबुक पे इनके तस्वीर पे गलत नंबर लिख के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हुई इन तक पहुँचने पर। हम लोग 2-3 जगह पहुँच गए उल्टी सी। तो आप भाई साहब अपना नंबर बता दें। बहुत सारे लोग मेरी तस्वीर के साथ फेक नंबर लगा रहे हैं, अपने नंबर लगा रहे हैं। तो मेरा जो पिछले 18 साल से वो दो ही नंबर है, जो एक कॉल के ही यूज़ करता हूँ, दूसरा व्हाट्सएप के लिए। कॉल पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो नंबर है 0323-33-91916 और व्हाट्सएप पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो 0313-29-46876। तो ये मेरा नंबर है और इसी नंबर पे रابطہ करें, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और अगर कोई मेरे नाम से कोई मांग रहा है तो बराए करम मत दें और इन जैसे लोगों की आप हेल्प करें, मदद करें। हाँ, सरजानी जैसे इलाके में इस टाइम पर आकर जो नहीं है राशन तकसीम कर रहे हैं गरीबों में, अल्लाह ताला इनका भला करे, अल्लाह ताला इनको और इज्जत और उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन। बिजाहिन्नबी।